नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति चरम पर है और बयानबाजी चरम पर है। ना जाने क्यों हमारे देश में जनता के मुद्दों पर राजनीति नहीं होती है, पर बयानों की राजनीति हमेशा बनी रहती है और हमारे नेता इसको लेकर बड़े सुभरा वाले भी हैं, सुभरा के अनुसार राजनीति करते रहते हैं। बयान जब भी आते हैं, बयानों पर राजनीति बढ़ती चली जाती है और राजनीति की पराकाष्ठा इतनी है कि दूसरे राज्य का कोई राजनेता भी बयानों में उतरता रहता है, कूदते रहते हैं। खैर, बयानों का इतिहास पुराना है। कोई शराब के ब्रांड को भगवान से तुलना करता है तो कोई रावण बोल देता है, कोई लादेन बोलता है तो कोई चौकीदार चोर बोलता है, कोई सर्वेंट बोलता है तो कोई ऐसा बयान देता है कि भारतीय संसद संसार हो जाती है। रमेश बिडूरी का बयान, नई बात नहीं कर रहा हूँ, जो शब्दावली उपयोग की गई थी वो संसदीय तो नहीं थी। वो संसद, वो लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। खैर, राजनीति बयानों पर टिक चुकी है। धार्मिक राजनीति, कुत्सित राजनीति की बयान, यानी कुत्सित राजनीति में से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के शब्दों का उपयोग सदन में होता है, लोकतंत्र के मंदिर में हो रहा है, उन शब्दों के लिए जनता सोच में मजबूर है, क्या ये वही राजनेता हैं जिनको हमने अपना अमूल्य वोट देकर, अपना मत का अधिकार का प्रयोग कर, अपना सबसे बड़ा अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मतदाता बनने का अधिकार का उपयोग करते हुए सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाया है। बयान नीतीश कुमार के, सेक्स एजुकेशन को लेकर जिस तरह से उन्होंने बात कही, वो सबको यहाँ पर नागवार गुजरी। पुतले भी जलाए गए और उनके बयानों पर यहाँ पर चर्चा भी बहुत बड़ी बड़ी हुई, माफ़ी भी मांगी। और उसके बाद से फिर बिहार की अगर बात करें तो वहाँ पर बयानबाजी सिलसिला जारी है। कभी नीतीश कुमार जीतनराम मांझी को कटाक्ष करते तो जीतनराम मांझी ने भी कटाक्ष किया है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनको खाने में विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, मिला के खिलाया जा रहा है, जो तीन लक्षण बताते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है। खैर, राजनीति यहाँ पर ऐसी ही है। रोटी कपड़ा और मकान की चिंता यहाँ किसी को नहीं है, प्रदूषण की चिंता यहाँ किसी को नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की चिंता यहाँ किसी को नहीं है, कानून व्यवस्था की चिंता यहाँ किसी को नहीं है, जल की चिंता यहाँ किसी को नहीं है, पर्यावरण की चिंता यहाँ किसी को नहीं है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पर ना जाने क्यों देश की राजनीति कभी बयानों पर टिक जाती है तो कभी धर्म पे आकर आधारित हो जाती है। राम मंदिर का भी यहाँ पर उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, बड़ा कार्यक्रम होगा। उसके बाद स्थिति और गहराने वाली, क्योंकि खुशी तो यहाँ सबको है, पर उसके बावजूद जो बयान आएंगे वो आपको आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित करने वाले हों। आज का जो मुद्दा है वो इसी बयानों पर आधारित है कि क्यों हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के जनता के प्रतिनिधि अपने बयानों पर रोक लगा पा रहे हैं, क्यों इस तरह बयान देते हैं कि उनका मखौल भी उड़ता है, क्यों इस तरह बयान दे रहे हैं कि राजनीति कुत्सित हो रही है। मुझे शब्द बोलने में कोई संकोच नहीं है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहाँ संस्कृति, नैतिकता और सभ्यता हमारा आधार थी, वहाँ पर बयानों ने इस राजनीति को खराब कर दिया है। पराकाष्ठा, गाली गलौज बताती है कि स्तर निम्न होता चला जा रहा है। अगर यहाँ पर व्यवस्था बदलनी पड़ेगी या जनता को यहाँ पर चेहरों को बदलना होगा, पर करना जरूर कुछ ना कुछ होगा अगर भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखना है और एक अच्छी राजनीति, एक अच्छी व्यवस्था को देश में सिरमौर बना के रखना है। महत्वपूर्ण चर्चा वैसा है, पर राजनीति पहले यहाँ पर कुछ बयान सुन लेते हैं, चर्चा उसके बाद शुरू करेंगे। नीतीश जी का जो कहने का ढंग था, नीतीश कुमार जी का, तो मैं समझती हूँ कि वो जो कहना चाह रहे थे वो था कि एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन का जो मामला है, जो यूजली लोग खुल के नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को रखा है। एंड मेरा भी ये कहना है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, उस पर खुल के बात होनी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो भारत की है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
आप अगला क्वेश्चन जो मेरा कहना है, मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्ट्रासेप्ट पे बात होनी चाहिए। दूसरी चीज, कांग्रेस ने जिस तरह से धोखा दिया है मध्य प्रदेश के, पहले कहते रहे, बाद में बयान दिया अखिलेश जी के खिलाफ, कमलनाथ जी के आए। मैं समझती हूँ आज राष्ट्रीय जी ने बात कही है कि शायद जो नेता हैं वह बहुत बुजुर्ग हैं और वह भूल गए अपनी कही भी बात पे और उन्होंने पलटी मारी है। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा अगर समाजवादी सोच का हमेशा समर्थन किया है और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसमें हम समर्थन करेंगे। तो क्या लगता है कि इमली गठबंधन जो है, इमली गठबंधन, उस पर कोई फर्क पड़ेगा इस तरीके से जो हुआ है? मैं नहीं समझती इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ पीडीए गठबंधन ही सबसे मजबूत गठबंधन है और समाजवादी पार्टी इसी पर लगातार काम कर रही है और आने वाली जो गैर भाजपा सरकार बनेगी उसका पूरा सहयोग समाजवादी पार्टी करेगी। बयान भी देखा हो, यहाँ पर हमने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान भी देखा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने गलत कुछ भी नहीं कहा, बात तो सही कही है पर सोचा तरीका बेहतर हो सकता था, समर्थन किया है। पर यहाँ पर समर्थन बयान का नहीं बल्कि व्यवस्था का करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई बात कह रहे हैं, अगर उसको लेकर आप इतने जागरूक हैं या वास्तव में उसको लेकर आपके मन में टीस है या वास्तव में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जनता के बीच ज्ञान देना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्थाएं आपको लागू करनी पड़ेंगी। क्योंकि यहां पर सिस्टम सुधारने के लिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपको चीजें बदलनी होंगी। केवल बयानों से यहां पर राजनीति नहीं बदलेगी और ना बयानों से सिस्टम बदलेगा और ना ही बयानों से यहां पर किसी देश की जनसंख्या कम हो सकती है। अगर वास्तव में इसको लेकर बड़ी गंभीरता है तो इसको लेकर आपको कदम उठाने पड़ेंगे और जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, पर जागरूक करने के लिए जगह और शब्दावली शायद यहाँ बदलनी पड़ेगी। जगह भी यहाँ पर इस तरह नहीं होनी चाहिए, मर्यादापूर्ण होनी चाहिए बातें और जो संस्कृति हमारी है उसका भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा आज का है वो है बयानों की राजनीति। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से देवक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड से मनोज लाल दास अपनी राय देंगे, सैयद मोहम्मद तकी हमारी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी राय देंगे और बड़े पत्रकार रूप में बड़े भाई सुनील त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो प्रवक्ता जदयू से रहेगा। मनोज जी, एक समर्थन मिल गया है सपा सांसद डिंपल यादव, सुन लीजिए। देखिए सर जी, सबसे पहले गौरव जी, समर्थन और विरोध की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस बातों का वहाँ किया जी, वह विषय वहाँ दूसरा था। अच्छा, और विषय में उन्होंने कहा इसको नीतीश कुमार जी ने खुद अपने ही से जब इसको गलत माना, अपने ही से शर्मिंदा महसूस किया। अच्छा, और पूरे विधानसभा परिसर में, विधानसभा में, विधान परिषद में उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अच्छा, तो फिर ये समाप्त हो जाता है। अच्छा, समाप्त हो जाता है। और कई नेताओं ने इस तरह के बयानबाजी की, बहुत घटिया किस्म के बयानबाजी की जी, वो आज तक माफी भी नहीं मांगे। हाँ, मुझे पता तो इसीलिए पक्ष विपक्ष की हम बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी अगर माफी मांगे तो बात समाप्त हुई और उनको लगा कि हमने गलत बोला। देखिए, बोलते बोलते आम लोग भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, खास लोग भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। एक देश के धुरंधर हमारे महान नेता ने लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कह दिया, तो ये सब चीज है। लेकिन मैं वही बात में कह रहा हूँ हमेशा कि अगर कोई आदमी गलती भी अगर कर ले, अगर गलती का वो माफी भी ले ले और सार्वजनिक रूप से मैंने ले ले, अभी आप सुना रहे थे तो वो कह रहे थे कि जनता के बीच में जाके माफी मांगना, अब कितनी ओछापन उनकी स्थिति है कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा और विधान परिषद में माफी मांगी। तो फिर ये जनता का ही सदन है ना, ये कोई उनका या किसी पार्टी का थोड़ा सदन है। अच्छा, तो इसीलिए हमारे विचार से कि अब इस टॉपिक का कहीं से कोई नहीं होता। नहीं, मैं तो अभी इस टॉपिक को बात नहीं की, मैंने रमेश बिरूड़ी की बात भी की है। मनोज लाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ पर पुराने बयानों की चर्चा भी की है। इसके साथ मैंने ये भी कहा है कि जिस तरह से यहाँ पर बाघ युद्ध पूर्व सीएम जीतराम मांझी और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच चल रहा है, मैंने उसकी चर्चा भी की है।
कि विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये भी ऐसे बयान है जिन पर लेकर चर्चा जरूरी है। क्योंकि आप राजनेता है और जब आप लोग इस तरह के बयान देते हैं तो जनता के भी संदेश दूसरा ही जाता है। जनता के नेता जनता के प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ पर, और जैसे नीतीश कुमार ने बोला था कि जीतनराम मांझी को यहाँ बनाना सबसे बड़ी गलती थी, तो यहाँ पर कौन गलती है, कौन विषैला पदार्थ खिला रहा है, किसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये तो यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी। और बिहार में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ध्यान तो जाएगा ही, जनता है, जनता जानती है और जनता देखती भी है और जनता सुनती भी है कि हमारे राजनेता बयान क्या दे रहे हैं। ठीक है, प्रवक्ता जदयू को मैंने ले लिया, मैं विक्स अवस्थे बार हुआ बेबी भाई, आपको एक बयान याद दिलाया मनोज लाल दास ने, आपके बड़े नेता ने बयान दिया था, मैं कहे तो मैं बोल दूँ या फिर आपको सुन लिया होगा, देखिए हाँ, और किस तरह के बयानबाजी क्या कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ मनोज लाल दास बोल रहे हैं कि माफ़ी मांग लिया, अब ये मुद्दा बंद हो जाना चाहिए। देखिए गौरव जी, जी नीतीश जी जिस तरह का बयान विधानसभा में दिए उससे और वल्गर बयान उन्होंने विधान परिषद में दिया। अच्छा, और जिस बयान की आड़ में जेडीयू प्रवक्ता छिपने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा वो स्लिप ऑफ टंग है। अच्छा, ये बयान स्लिप ऑफ टंग में नहीं है। अच्छा, जिस तरह का एक सेक्सोलॉजिस्ट की तरह और उसको भी भद्दे शब्दों में वो धारा प्रवाह वर्णन कर रहे थे नीतीश बाबू। अच्छा, और विधानसभा में बोलने के बाद वो रुके नहीं, उन्होंने उससे भी बदतर बयान विधान परिषद में दिया है। अच्छा, आप दोनों उठा करके देख लीजिए, दोनों देखें। और इसके बाद अगले दिन की जो उनकी स्थिति रही, जिस तरह से उन्होंने एक महादलित समाज के नेता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं जीतनराम मांझी जी को लेकर के, जी ये दर्शा रहा है कि उनके मन में कितनी महादलितों को लेकर के खटास है। अच्छा, और इस पूरे कुकृत्य से सुशासन बाबू के पूरे जीवन की कमाई खर्च हो गई। अच्छा, आज स्थिति ये है कि औरतें भी ना तो उनको बिहार की फूटी आंख देखना चाहती हैं। अच्छा, जिस तरह से वहां महिला विधायकों के सम्मुख वो इस तरह का प्रवचन कर रहे थे, जी, और जीतनराम मांझी जी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणियां उनके मुंह से निकली, और स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं ही मूर्ख हूं, जी, अगर मुख्यमंत्री अपने आप को मूर्ख स्वीकार कर रहे हैं, अपने बयान की स्वयं निंदा कर रहे हैं, जी, तो आप उस मुख्यमंत्री के मना स्थिति समझ सकते हैं। अच्छा, कि क्या है, क्या ऐसे हाथों में बिहार सुरक्षित है, जब स्वयं मुख्यमंत्री कह रहा कि मैं मूर्ख हूं। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं तो बुराई मत करिए, ऐसा ना हो फिर आ जाए। अगर मैं एक, ये मेरे शब्द नहीं है, ये नीतीश बाबू का विधानसभा में बयान है। साथी रहे, साथी रहे, साथी रहे हमारे साथ। अगर आपके साथी तो आप इतना यहाँ पर उनके ये निंदा करते क्या? संगत से गुण हो तो संगत से गुण जाओ। आपकी संगत चली गई, हमारे साथ थे तो सुशासन बाबू थे। अच्छा, अब जब दुष्चक्र में है तो दुशासन रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। कैसे चीरहरण कर दिया भाई, चीरहरण नहीं तो और क्या है। अच्छा भाई, आप देख लीजिए, जिस पटना की जिस असेंबली में, जिस विधानसभा में, विधान परिषद में वक्तव्य हो रहा है, अच्छा वहाँ विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी बैठे हुए हैं, देख लीजिए, दिख रहे हैं जी। इसी तरीके से विधान परिषद में देवेश चंद ठाकुर बैठे हुए हैं। अगर इन लोगों के सम्मुख नेता सदन इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं और ये लोग उसको रोक नहीं रहे हैं, तो क्या मैं ये मान लूं कि जिस तरह से पूर्व काल में पाटलिपुत्र में महाराज घनंद के दरबार में इस तरह के आचरण होते थे। अच्छा, क्या उसी रास्ते पे अब पटना जा रही है? अच्छा, ना महिलाओं की प्रतिष्ठा रह गई, ना महादलित का सम्मान आपने छोड़ा। अच्छा, आप छोड़ किसको रहे हैं? अच्छा, क्या यही किस तरफ जा रहा है पाटलिपुत्र? अगर मैं इस बिहार विधानसभा की तुलना महाराज घनंद के दरबार से कर दूं, या मगध जरासंघ के दरबार अच्छी बात कही, कुकृत्यों से करूं, बहुत अच्छी बात, कोई बुरी बात है? बहुत अच्छी बात कही। जिस तरह का आचरण आज नीतीश बाबू कर रहे हैं और विधानसभा विधान परिषद में विधानसभा अध्यक्ष के सम्मुख कर रहे हैं, अच्छा अच्छा,
भाई ये धृतराष्ट्र की सभा से तुलना क्या कम रह गई इसे करने के लिए। अच्छा धृतराष्ट्र भाई विधानसभा अध्यक्ष धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं। अच्छा उनको ऐसे शब्दों को ही तो रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष क्या होती है। बड़े अच्छी अच्छी बातें आपने कही मेरे पास। ऐसे ही सवाल आ गए मेरे पास गौरव जी। ऐसे ही विषयों को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद अध्यक्ष की व्यवस्था है। अरे आप ऐसा मत कहिए, संसद में रमेश बिरूड़ी को भी रोका चाहिए था भाई, ऐसा मत बोलिए। उसको रोका गया और सुनिए जी, ऐसा मत बोलिए भाई, सुन लीजिए। रोका गया, माफी मांगी गई, जवाब हटाए गए। हाँ। लेकिन यहाँ तो पूरा प्रवचन हुआ है। क्या होता है सुन लीजिए, बोल तो दिए किसी समाज को लेकर हटाने क्या होता है, मेरी बात सुन लीजिए, सुना दीजिए। वो एक अतिरेक था। हाँ। यहाँ तो पूरा प्रवचन दिया जा रहा है। अच्छा एक जैसे शब्दावली संसदीय थी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं विवेक श्रीवास्तव जी वो शब्दावली संसदीय थी, उस शब्दावली का किसी ने समर्थन किया क्या हमारे यहाँ से? नहीं किया, कार्रवाई तो नहीं हुई। सुन लीजिए, सब खेद प्रकट किया रक्षा मंत्री जी ने तो उन्होंने माफी मांग तो ली है। अरे भाई आप देखिए विधानसभा ने माफी, मनोज लाल ने बताया है माफी मांग ली है, मेरी बात। उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। जी मेरी बात समझिए, मैं अभी क्रोध में आकर के आपको गाली दे दूं। अच्छा ये विचारों का अतिरेक है। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको आधा घंटे का जाता रहूं, अच्छा धारा प्रवाह, अच्छा ये विचारों का अतिरेक नहीं है, भावनाओं का अतिरेक नहीं है। अच्छा ये व्यवस्थित तरीके से अच्छा, महिलाओं को अपमानित किया है। अच्छा ठीक है, जिस तरीके देखिए एक बार जीतन राम मांझी के प्रकरण में तो आप कह सकते अच्छा, हैं कि ये भावनाओं का अतिरेक है। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया ठीक है, और ये उसके बाद जब ये कहा कि मैं ही मूर्ख था तुमको मुख्यमंत्री बना दिया, ये सब सारी चीजें उनके मन की खटास को प्रदर्शित कर। ये स्थितियां आपकी बात आ गई। अब मेरे दो सवाल ले लीजिए, बड़े सुंदर सवाल है, आपने बड़ी अच्छी बातें कही। आपने महिलाओं की बात कही, बहुत आपको उससे लगाव है, गंभीर मुद्दा आप लेते हैं और महिलाओं की बड़ी आप चर्चा करते हैं। महिला बिल भी लेके आए, दिल्ली में जो खिलाड़ियों के साथ हुआ जी, वो भी महिलाएं थी शायद, बिल्कुल पुरुष तो नहीं थे ना? नहीं थी। चले ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में डायल 112 की महिलाएं 5 दिन से सतत संघर्ष कर रही हैं, वो भी महिलाएं हैं शायद, बिल्कुल संजय भाई महिलाएं हैं ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है तो जब वहाँ की बिहार की महिलाओं के लिए आपके मन में पीड़ा है, आपने कहा महिला विधायक थी, मैं आपकी बात को बिल्कुल सत्य मानता हूँ, होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति सभ्यता और व्यवस्था बताती, नैतिकता बताती है पीड़ा होनी चाहिए, पर वो पीड़ा दिल्ली में जाके और उत्तर प्रदेश में डायल 112 में ख़त्म क्यों हो जाती है? देखिए ना, हमारी पीड़ा दिल्ली में ख़त्म हुई। अच्छा अच्छा, दिल्ली में जब महिलाओं ने प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मुकदमा लिख गया, उन लोगों ने उसके बावजूद भी धरना दिया। हाँ। जबकि मुकदमा लिख जाने के बाद धरने का कोई औचित्य नहीं, आप भी जानते हैं। अच्छा अच्छा, और उसके बाद अदालत ने उनकी इस विषय पर सुनी भी नहीं। अच्छा, चार्जशीट दाखिल हुई ठीक है, बाकी मामला अदालत की प्रक्रिया में है। अच्छा अच्छा, मुकदमा लिख जाने के बाद आप न्यायपालिका या व्यवस्था के ऊपर दबाव बनाने की तरीके नहीं अप्लाई कर सकते। एक चीज संतुष्ट नहीं होंगे ना, आपकी संतुष्टि के लिए न्यायपालिका काम नहीं करती। अच्छा, तो न्यायपालिका का काम है न्याय देना। न्यायपालिका काहे के लिए काम करती है? न्याय देने के लिए। तो न्याय अगर संतुष्ट नहीं है तो न्यायपालिका नहीं बोलेगी कि हाँ भाई आप ऊपर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से गए थे। हाँ, आदेश के खिलाफ अपील होती कि नहीं होती है? आदेश के खिलाफ अपील होती है कि नहीं होती? अगर अगर बारी संतुष्ट नहीं है तो आदेश के खिलाफ अपील होती है नहीं होती है? लेकिन तो संतुष्टि होनी होनी चाहिए ना जी। ये मुकदमा तो सुप्रीम गौरव जी, ये तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश में लिखा गया। अच्छा, ये विषय तो सुप्रीम कोर्ट से ही डायरेक्शन था। तो इसके बाद आप कौन सी कोर्ट में जाएंगे? अच्छा, तो ये विषय देखिए, जिस प्रकरण को आप चर्चा कर रहे हैं उसकी नहीं, 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 महिलाओं की आप चर्चा की थी, हम बिल्कुल बिल्कुल 112 की बता दीजिए, 112 पे आ जाइए। 112 पे जो महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ADG हटा दिए गए, बस ठीक। देखिए विषय ये नहीं है, विषय ये है कि आप जिस तरह से विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकतंत्र के उस मंदिर में बैठ करके कोक साथ में प्रवचन दे रहे हैं, महिला विधायकों के सम्मुख दे रहे हैं, क्या ये नेता सदन के पद की गरिमा के अनुकूल है? चले, क्या वो विधानसभा की गरिमा इससे तार तार नहीं हुई? चले, क्या विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की गरिमा को बचाने में कामयाब रहे? चले, हो गया। ये नेता सदन अपने को ही नहीं डुबोए हैं। चले, नेता सदन ने विधानसभा की गरिमा भी तार तार की और विधानसभा अध्यक्ष को भी नहीं डूबे। पहले भी तमाम तरह के शराब के ब्रांडों से भगवान की तुलना की गई है, तो ये बताइए वो आपकी पार्टी में भी है अभी? हमारे सुन लीजिए, लेकिन वो जब जिस पार्टी में थे तब वो बोले थे। अच्छा, क्या सुन लीजिए, अच्छा ये अंतर है, सुन लीजिए। हम ये तो कह रहे हैं कि संगत से गुड़ हो संगत से गुड़ जात, हमारे संगत में रहेगा तो राम ही राम रटेगा, और नहीं रटेगा तो भाजपा में 2 लाख मार के बाहर भी हो जाएगा।
ये भारतीय जनता पार्टी है, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहीं ना। रमेश बिधुड़ी कब बाहर होगा? ठीक है चले, हो गया। मैं चंचल यादव, बड़ी लंबी लिस्ट बना रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ मन ही मन में। तो लिस्ट यहाँ पर बयानों के लिए है, शुरुआत करिए भाई। यहाँ पर डिम्पल यारो ने, आपके सांसद ने तो यहाँ पर कहा कि ठीक है, कोई गलत बात नहीं कही और इस पर चर्चा होनी चाहिए। गौरव जी, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि बीजेपी हमारे बड़े भाई जी विवेक जी के लिए, हाँ, एक कहावत बीजेपी की बहुत चरितार्थ बैठती है, सुपुआ हंसे हंसे चलनिया से 72 छेद। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा अच्छा गलत बयानबाजी करता है, जो जितना बड़ा दंगा उतना बड़ा भाजपाई होता है। अच्छा, अब आप समझिए, जिस दिन रमेश बिधुड़ी की आप चर्चा भी कर रहे थे, रमेश बिधुड़ी जी ने जो जो बातें कही, आप लोग टीवी में चलाते हो तो बीप करते हो उसको, अच्छा सुना नहीं सकते। जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग आज तक के हिंदुस्तान के संसद भवन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जी। और उस व्यक्ति को अभी हमारे विवेक जी ने कहा कि बुला करके माफी मंगाया गया, और माफी कौन मांगा, कौन देखा? उसने ना तो पटल पे मांगा, ना तो उसने लिखित माफी मांगी। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने कहा नहीं माफी मांगा, मैं कहा करूं माफी? आप सोच लिए, मैंने कहा रक्षा मंत्री माननीय, आप सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात हटा दिया, आप क्यों अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं? नहीं, कब कहा माफी मांगा? नहीं, मेरी बात नहीं करता माफी, मैं वहां पहुंच रहा हूं। मैंने कहा रक्षा मंत्री जी ने माफी मांगनी चाहिए। अरे पहले सुनिए ना, माफी मांगना, मैं मुझे बात कर जा रहा हूं ना, तो रक्षा मंत्री जी ने माफी मांग लिया, आप बताओ गलती कोई और कर रहा है? परिपाटी है, मैंने क्या बोला आपको कि जो जितना बड़ा गलत बयानबाजी करेगा उसको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। आप सोचिए, वो व्यक्ति जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, अभी समिति समिति खेल रहे हैं लोग, संसदीय समिति बना करके जो है महुआ मित्रा के ऊपर जो कार्रवाई की बात कर रही है लोग, और सोचिए वो लीक हो रहा है, लीक होकर कई सारे चैनल चला गया, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सारा जो संबंधित संस्थाएं काम कर रही है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है गौरव जी, आप सोचिए। और बड़े गर्व से हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगा उन्होंने, इतनी गलत बयानबाजी करने के बाद उसको जो है प्रमोट किया जाता है, उसको और एक अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप खुद सोचिए, 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी ने जो जो शब्दों का प्रयोग किया है, मैं सच बताऊं गौरव जी, मैं इस बात को एकदम ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं, जितने गलत शब्दों का प्रयोग आज तक कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री किसी ने किया हुआ। अच्छा, जितना प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार प्रधानमंत्री जी ने किया है, और मैं कई सारे उदाहरण, एक उदाहरण नहीं है। अच्छा, आप सोचिए, इसी हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला उन्होंने, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आपको याद होगा कांग्रेस की विधवा, आपको याद होगा, आपको याद होगा अभी हमारे जेडीयू के साथी ने क्या कहा, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ना जाने क्या क्या बोलते थे। और एक नेता की बात मत छोड़िए आप विधानसभा के अंदर बीजेपी के नेता ब्लू फिल्म देखे पा जाते हैं, आपने दिखाया होगा, भी होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात नहीं है। यहां हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी का कोई नेता है तो सबसे समझिए कि सबसे पहली बात तो सारे जो करप्शन से सारी चीजों से मुक्त है। आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश में हमारे यहां, सुन लीजिए, पूर्व गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री रहे चिन्मयन स्वामी जी, पूरी वीडियो थी, लेकिन जिस लड़की ने शिकायत की वो लड़की जेल गई। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। और बिल्किस बानो के मामले में इन्होंने संस्कार पार्टी कराई, इन्होंने कहा जो संस्कार उनके अच्छे हो गए थे उनको सम्मानित करके उस संस्कार पार्टी कराया उन्होंने, बकार उनके आचरण को देख करके छोड़ दिया गया। मैंने भी कहा ना कि सुपुआ हंसे हंसे चलने हंसे जैसे 72 छेद। अब आई मैं बात आ रही थी विधानसभा के अंदर तुम्हारे मामले में, एजुकेशन के मामले में, देखिए ऐसा पटल पे जो बात हो रही थी वहां पे जो है प्रजनन दर को लेकर बात हो रही थी, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के कहने का तात्पर्य क्या था वो कहते कहते देखिए, उन्होंने उस बात को खेद भी जताया, कहते कहते देखिए एक चीज और है गौरव जी, मैं बता दूं, आप अभी 12 बजे के बाद जितने हमारे एसटी मीडिया के चैनल हैं आप खोल के बैठ जाओ रात में 12 बजे के बाद, वो क्या क्या ज्ञान देते हैं। अच्छा, वो तब आप देखते हो मुस्कुरा करके बेड के अंदर, मैं कह रहा हूँ आपको दिखाने का विषय है, बताने का विषय है, लेकिन अगर कोई बात प्रजनन दर को कम करने के लिए, सुन लीजिए गौरव जी ना, कोई प्रजनन दर को नहीं, प्रजनन दर को कम करने के लिए अगर कोई बात अगर ऑन रिकॉर्ड कर दे रहा है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई क्या, मुझे बताइए आप 50 करोड़ गर्लफ्रेंड बोल सकते हो किसी एक जिन्होंने त्याग किया हो, मैं तो धन्यवाद, आप बयान के पक्ष में, मैं ये कह रहा हूँ सेक्स एजुकेशन के बारे में जो बारे तो, में है। मैं निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात और सुनिए। दूसरी बात आ रही थी जीतनराम मांझी को लेकर के, आप बताइए कि आपने जिक्र किया, आपको याद होगा जीतनराम मांझी जो मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि मैंने किसी देवी देवता को मैं नहीं मानता हूँ, अगर मेरे कोई भगवान है, मेरे अगर कमरे में अगर किसी की फोटो लगी हुई है तो नीतीश कुमार की फोटो लगी हुई है। और अब आपने जब नीतीश कुमार जी के साथ आपने गद्दारी करने का काम किया, तो अगर नीतीश कुमार जी को आप उकसा रहे थे, उन्होंने जो बातें कह दी,
तो बहुत कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने, मैं ऐसा मेरा मानना है। समाजवादी पार्टी नहीं, बयान मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुनाइए, साफ साफ बताइए। मैं साफ साफ बुझाई चंचल जी, पहले मेरी बात, क्या समाजवादी पार्टी इस बयान का समर्थन कर रही है? समाजवादी पार्टी इस बयान का भी समर्थन नहीं करती है, कांग्रेस की विधवा का भी समर्थन नहीं करती है, 50 करोड़ गवर्नमेंट का भी समर्थन नहीं करती है। मैं वही कह रहा हूं, मैं आप खुद विरोध करिए, आप खुद विरोध करिए, हम का समर्थन आपसे मांग रहे हैं। लेकिन मैं सुनिए, मैं आता हूं, व्यवस्थित समर्थन है, केंद्रीय पांच में भाई पूछ रहा है, आप मुझे बताइए, इनके यहां इनके आप बोला था पक्ष में, बोला अनुराग ठाकुर ने क्या बोला था, देश के गद्दारों को गोली मारो, आप कह रहे हैं, आप गोली मारो सालों को, क्या शब्द यूज किया था, मैं शब्द यूज किया था, देश के गद्दारों को, आप आपको देश के गद्दारों को, क्या उनका रवैया था, बीजेपी के लोग कार्यवाही करने के बजाय, और वहीं बिहार के मंत्री हैं, बिहार के एक मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, सुन लीजिए, आपका चुनाव अंत संघ बोलते देखा जाता है, पूरी बयान के साथ आप खड़े हैं, अरे भाई खड़े तो लीजिए, ये आपका अधिकारी बयान है, मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी नीतीश के बयान के साथ खड़ी है, सदन में इस तरह की चर्चाओं का समर्थन करती है, अरे आप मेरी ये अपनी जुबान मेरे मुंह में डालिए, हमको डाल रहे हैं, आप बताइए, आप समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, बताइए, पूरी बात तो सुनिए, दोनों में नहीं तो बताइए, समर्थन में या विरोध में, अरे मैं क्या बात बोल रहा हूँ, तो मुझे अब लीजिए, मैं बात क्या बोल रहा हूँ, अरे आप अपनी मुझे मालूम है, आप लोगों का एक ही करते हैं, डबल बात करते करते वो भावनाओं में बह गए और कुछ ज्यादा बातें कह गए, विधान परिषद में भी बह गए, अब सुन तो लीजिए, विधानसभा में बह गए, विधान परिषद में बह गए, मेरी बात सुनिए, दूसरी बात, अगले दिन जीतनराम मांझी के ऊपर भी चढ़ गए, ये बहना क्या तरीका है, मैंने अब लीजिए, अच्छा सुनिए, आप देखिए जो मेन खबर है, आप सुनिए जो मेन खबर है, अभी देखिए आपने देखा रामपुर में आप चला रहे हो, रामपुर पब्लिक स्कूल को तालाब, अरे भाई ये विषय सरकार, और अभी कल ही कैबिनेट मीटिंग की है, सुन लीजिए, अभी कल ही कैबिनेट मीटिंग की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ, आज श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने राम कथा संग्रहालय का स्टार्ट किया था, अब हमारी पिछली सरकार आ रही है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिसमें इनकी पूरी कैबिनेट 6.5 साल के सरकार में इनके पास एक बिल्डिंग नहीं बना पाए जहां मीटिंग कर पाए अध्यक्ष के अंदर ये लोग, चले ठीक है, तो झांसेवाजी जुमलेबाजी का अलावा क्या इनके पास आता है, आप मुझे बताइए ना, उसी चर्चा कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी भाई मैंने बताया समर्थन कर रही थी, अरे मैंने बोला आप समर्थन में है ना, मैंने कहा आप चाहते सदन में चर्चा होनी चाहिए ना, सेक्स एजुकेशन के बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसी भाषा में होनी चाहिए, होनी चाहिए, इसी भाषा, ऐसी बात नहीं मैंने कहा, वो इसी भाषा में होनी, मैंने बोला कि बोलते बोलते अधिक बोल गए हो, एक बार बोल के दोबारा थोड़ी बोल गए, ठीक हो गया, विधानसभा के अंदर बैठ बैठ के ब्लूप्रिंट देखते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप, कार्रवाई करी, आप बताइए जहाँ देखते अभी ये बताइए, कई सारे विधान विधायकों की कहानी है, कहानियां और आप क्या डिबेट आप लोग विश्व के साथ हैं, डिबेट आप लोग बीच में हो रही है और लोग भी है, मुझे दोनों जी जिस तरह हो गया, अरे पहला अभी पहला चरण चल रहा है, मुझे बुला लीजिए, ठीक है सर, मोहम्मद तकी हमारे प्रवक्ता हमारी पार्टी बैठे हुए, तकी भाई भाई आप तो अलग ही राजनीति करते हैं, अलग राजनीति, बिल्कुल अलग राजनीति, सबकी बात करते रहते हैं, जो यहाँ पर बातें हो रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, मैं बयान केवल यहाँ नीतीश कुमार के बयान की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ सीएम के बयान की चर्चा नहीं करूँगा, यहाँ पर बयान तमाम ऐसे हैं जिनसे हमारे देश की जो संस्कृति है वो कुत्सित होती है, और ये बयान बहुत शुरुआत से चले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सदन से शुरू हुआ, देश की सदन में भी हुआ, और तब से लगातार सिलसिला जारी है, तमाम तरह के बयान हैं, चंचल यादव ने भी बताए किस तरह देखते हैं, और इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ राजनीति में इस तरह के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो ऐसे नेताओं के लिए सदन में कोई जगह नहीं है। देखिए गौरव जी, हम जिस देश से बिलोंग करते हैं और स्पेशली उत्तर प्रदेश से, जहाँ से कबीर दास हुए, रहीम दास हुए, क्या बात है? और लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, ऐसी वाणी बोली है, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, खुद हो शीतल होए, रहीम दास जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से जुड़े नहीं जुड़े तो गांठ पड़ जाए, क्या बात। गालिब ने कहा है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज गुफ्तगू क्या है,
जहाँ हमेशा बातचीत करने के तरीके पे हमारे महापुरुषों ने हमें ज्ञान दिया जी। और हमें बताया, और हमारी इतना पुरानी संस्कृति है जिसपे हमें गर्व होता है, 5000 साल पुरानी संस्कृति जिसके अंदर सभी सभ्यताओं का मिला जुला असर रहा, वहां के लोगों को ये बताना पड़े कैसे बोलना है जी। तो बड़ा शर्म की बात। अच्छा अच्छा। हमने अपने पूर्वजों से, पुरखों से, पुराणों से और शास्त्रों से और दीनी किताबें उनसे सीखा नहीं कि कैसे बोलना है किसी बात को, किसी को हट किए बिना, और जिसने बोलना उसको समझना भी जरूरी है। ये नहीं जो किसी ने कुछ कह दिया तो उसके पीछे आप दौड़ पड़े। नीतीश कुमार जी ने जो बात कही वो बात उन्होंने कहने का तरीका उनका या शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन वो कहना चाह रहे थे जो एजुकेटेड लड़कियां होती हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, टीचर लड़कियां होती हैं, जो सरकारी नौकरी में होती है, इनकी जिंदगी में कोई एम होता है, वो जानती हैं, वो हमेशा परिवार नियोजन का ख्याल रखती हैं जी। वो अपने परिवार को अच्छी एजुकेशन देना चाहती है, अच्छी स्वास्थ्य देना चाहती है, वो चाहती है बच्चे ज्यादा ऐसे इतने ज्यादा ना हो कि हमको पढ़ा लिखा ना पाए जी, बिल्कुल। तो उनका शब्दों का चयन हो सकता है गलत हो जी, लेकिन जो उन्होंने बात कही वो गलत बात नहीं, सही बात जी। और इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है हर स्तर पे, महिलाओं के स्तर पे और पुरुषों में भी। इसीलिए आम आदमी पार्टी शिक्षा के लिए काम करती, शिक्षा की बात करती है। अच्छा। और रही बयान देने की बात, तो बीजेपी में तो एक दर्जन लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं। दर्जन लोग ब्रजभूषण शरद सिंह। अच्छा, बीजेपी में? मैं बताता हूँ, सुनिए। ब्रजभूषण सिंह शरद सिंह है, परवेश मनोहर है, गिरिराज मिश्र है, साध्वी ज्योति है, साक्षी महाराज है। अच्छा। रमेश भदूरी है, साबित पात्रा है, अनुराग ठाकुर है। अच्छा। अरे जोगीनाथ को नरेंद्र मोदी जी जो है। अच्छा। वो अलग अलग जोर पे अलग अलग तरह के बयान देते रहे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो शमशान कब्रिस्तान की बात ले आए, उन्होंने कहा रेन कोट पहन के नहाते हैं, बाथरूम में झांक देखने की बात कही, उन्होंने कई करोड़ों की गर्लफ्रेंड की बात कही जी। और सोनिया गांधी जी के बारे में बीजेपी के लोगों ने गोरी चमड़ी की उनको औरत तक कहा जी। और कांग्रेस की विधवा तक कहा। तो ये बयान तो देखे मेन मीडिया में आना, हाईलाइट हो जाना और मेन मुद्दों से लोगों को भटका देना, इसलिए तो बीजेपी 8 में बहुत सक्षम है। अच्छा। मास्टर है 8 में जी। और किसी का उससे मुकाबला नहीं हो सकता। ठीक। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का फैलने की बात करते हैं बीजेपी के लोग, दिल्ली को जिम्मेदार मुद्दा नहीं है आज का। मैं सुन तो लीजिए आप प्रदूषण कराएंगे मैं तमाम चीजें कराने लगूंगा। प्लीज सर, मैं दो चीज मिनट दीजिए मुझे बोलने के लिए। मुद्दे पर रहिए ना। हम मुद्दे बात करेंगे जी, सही पे आएंगे जी। बयानबाजियां हुई, बहुत बड़ी बात कही गई और आम आदमी पार्टी को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया गया। अच्छा। और कहा गया नगर निगम को बदलने की कोशिश की गई, आम आदमी पार्टी के सत्ता 3 सरकार के अधिकार छीनने की बात करी गई और कहा गया बीजेपी और राजपाल पूरी तरह से सरकार में रहेंगे, उनके पास शक्तियां रहेंगी। लेकिन प्रदूषण फैल रहा है तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है और आम आदमी पार्टी को इल्जाम खड़ा जा रहा है। आप बताइए पिछले 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने और उनके जो प्राइवेट मंत्री कितनी बैठकें करी राज्यों के साथ, सरकार के साथ, और क्या नीतियां बनाई प्रदूषण को कम करने के लिए, इस पे कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं है। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, विदेश यात्रा में क्या सीख के आते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें हमारे देश। अरे आपके प्रधानमंत्री है तो दिल्ली सरकार के, आपके पर्यावरण मंत्री वहां मौजूद है, दिल्ली सरकार के जिम्मेदारी उनकी है। गौरव जी प्रदूषण किसी क्षेत्र का नहीं होता, हवाएं किसी क्षेत्र में नहीं चलती। अच्छा। ये सिर्फ पंजाब या दिल्ली का नहीं, पूरे पूरे उत्तर भारत से समस्या है। अच्छा, बिल्कुल। अगर आप अलग शहरों का नाम लेगा प्रदूषण का प्रदर्शन, अपने अपने जगह को साफ कर लीजिए, वही पर्याप्त हो जाएगा। तो हमारे सिर्फ एक आदमी के प्रयास करने से या एक राज के बात करने से मामला साफ नहीं होगा। आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। चले हो गया, चले हो गया, ये मुद्दा नहीं। ठीक है, हो गया, समय बता क्या हो गया, हो गया हो गया, समय कम बचा। प्लीज 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 मुझे यार मत चलाइए, सैयद मोहम्मद तकी प्लीज आप मुद्दे पर जिंदगी प्लीज। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं सर, ये बयानबाजी से हटके भाई आप ऐसा बात कहेंगे तो मैं आपको यमुना दिखा दूंगा। अगर आप मुझे प्रदूषण दिखाएंगे मैं आपको यमुना दिखा दूंगा। 3 बार सरकार आ चुकी है, यमुना साफ नहीं कर पाए, कूड़े के ढेर पर आप लोग हरे रंग की टाट बिछा के जाते हैं। प्लीज मुद्दे पर भटकाइए मेरा, प्लीज ये प्राइम डिबेट, मुद्दे पर भटकाइए। सुनील त्रिपाठी बोलेंगे, सुनील त्रिपाठी बोलेंगे, चले चले हो गया हो गया, चले हो गया, सुनील त्रिपाठी बोले जी, हो गया। तकी भाई हो गया, तकी भाई अपने टर्न पे बोलेगा, तकी भाई अपने टर्न पे बोलेगा, मुद्दे पे बोलिए। चलिए बयानों से पेट भरा जाएगा, चलिए हो गया, मैं मेरा मुद्दा भी भाई है, मेरा मुद्दा भाई, चलिए ठीक है। सुनील त्रिपाठी बोले, हो गया, तकी भाई हो गया, सुनील त्रिपाठी बोलिए जी। गौरव जी जी, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अब राजनीतिक लोगों का राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है जी,
उसकी निंदा करना उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत सही बात कही आपने। मैं एक पत्रकार नहीं, भारत के नागरिक के हैसियत से क्या बात है, नीतीश कुमार जी के इस बयान की कठोर निंदा करता हूँ। अच्छा, और इस तरह एक वक्तव्य देना एक मुख्यमंत्री की मानसिकता को जाहिर करता है। अच्छा, तकी जी भी हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं जी, समाज शास्त्र में दो चैप्टर है, वेश्यावृत्ति और शिक्षावृत्ति जी, उनमें भी हम लोग साथ पढ़ते थे, देखते थे, इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। और जो कह रहे हैं मानवर बैठे कि उन्होंने माफी मांग ली, मैं क्षमा मांगते हुए चाहूंगा कि आपकी बहन बेटियों से कोई सेक्सुअलॉजिस्ट कहे इस तरह से, क्या आप स्वीकार करोगे? वो आप जी पूछ सकते हैं, 125 करोड़ चाहे जिस जात की हूँ, धर्म की हूँ, मजहब की हूँ, वो हमारी बहन बेटियों से आप ऐसे बात करेंगे? मुख्यमंत्री की हैसियत से जिस तरह का वक्तव्य दिया है वो घोर निंदनीय है और महिला समाज के अच्छा, लिए ही कठोर निंदनीय है। महिलाओं को इस तरह के भारतीय संहिता में रहकर सुनील भाई अगर इस तरह से कटाक्ष करता है तो उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। सुनील भाई और सुन लीजिए मेरी बात को। सुनील भाई, मेरा जो आज का डिबेट का विषय था वो अकेले नीतीश कुमार का बयान नहीं था, मैंने बयानों की राजनीति मुद्दा रखा है, तो तमाम चर्चा इसमें हो रही है, पर मैंने आपको, अगर आपने मेरी शुरुआत सुनी होगी तो मैंने तमाम बयानों की यहाँ चर्चा की थी। मैंने संसद में रमेश बिरूड़ी के बयान की चर्चा भी की थी और मैंने एक बहुत पुराने बयान की चर्चा की थी जहाँ पर एक दारू के ब्रांड के साथ में भगवान की तुलना की है, मैंने उसकी चर्चा भी की थी। मैंने तमाम चर्चा यहाँ पर की है, तो उन पे बोल रहा हूँ, राजनीतिज्ञों को राजनीतिक स्तर इतना गिर गया, मैंने पूछ रहा है। अच्छा, कि वो तो चार किसी तरह से हम पॉपुलर हो जाएं। अच्छा, ऐसे तो बहुत नारे आए, तिलक तराजू तलवार के भी नारे आपने सुने? अच्छा, नहीं सुने? जी सुने, हिंदू देवी देवताओं के मुंह खुदे चाटते हैं, ऐसा भी बयान सुना हो आपने जी। लेकिन ऐसे बयान दे करके जी दुर्बलता पाना चाह रहे हैं, सत्ता पाना चाह रहे हैं गौरव जी। अच्छा, ये बहुत दुखद है भारत के लिए, हमारी सभ्यता हमारा कल्चर पूरे विश्व में सबसे अलग है, अगर उसमें ऐसा कोई कर रहा है तो गलत है। अभी विवेक जी ने डायल 112 चर्चा किया गौरव जी, ये भी घटना बड़ी निंदनीय है। अच्छा, अशोक कुमार जी को हटाना इसका नैतिक दायित्व तो नहीं कि आपने अशोक कुमार जी को हटा दिया और महिलाओं से मुक्ति पा गए। जो महिलाएं वहां प्रेग्नेंट थी उनके साथ वही पुलिस कर्मी जो साथ पहले काम करते थे, बिल्कुल किस तरह व्यवहार किया है, इससे तो हम भी बंजस्त है, मीडिया जगत नहीं भारतवर्ष बंजस्त है कि कल तक हम कंधे में कंधा मिला करके सेवा कर रहे बैठे और उसके बाद में हमारे साथ अन्याय हो तो जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए। मैं तो इसकी भी घोर निंदा करता हूँ गौरव जी, इसमें सरकार को अशोक कुमार को हटा करके कोई वाहवाही नहीं है, क्योंकि यहाँ गेम हो रहा है गौरव जी। एक सेकंड मैं आपको बोलूंगा, जो जो सेवा प्रदाता होते हैं उनसे अच्छी कमाई होती है विभाग को, जैसे ही कोई अफसर आता है साल दो साल सेवा प्रदाता बदल दिए जाते हैं, नया सेवा प्रदाता आता है आउटसोर्सिंग जरिए कमाई करते हैं बैठ करके, लेकिन जो शिक्षित बेरोजगार 4 साल 5 साल 3 साल बर्बाद किया है उसके भविष्य क्या हाल होगा, इस पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, हो गया। मैं मनोज लाल दास को दोबारा लूंगा। मनोज भाई, आपने सबके बयान सुने, सबकी आपने चर्चा सुनी, पत्रकार को भी सुना, सपा को भी सुना, प्रवक्ता आपको सुना और विवेक भाई को भी सुना। सबसे रहा यहाँ पर विवेक भाई आपको जवाब भी दिए, अब आपको जवाब विवेक भाई को देना है क्योंकि यहाँ उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं और आरोप आपने भी लगाए थे जी। मनोज लाल दास, देखिए गौरव जी, शक्ति होती है राजनीति में। मैं पत्रकार के जी के बातों का मैं कोई बुरा नहीं मान रहा हूँ और मैं भी इसके पक्षधर हूँ कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जब शुचिता हुई, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा नहीं कहा वो अब उस पर चर्चा की बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो भी कहा उसके लिए उन्होंने खुद माफी मांगा, इसीलिए ऐसी इसी को हम लोग सूचना भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने आपने जिन जिन लोगों के बयानों के चर्चा किए उनकी बात मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये सर्वविदित है, इसलिए उस पर तो आज तक जिसने किया उसने तो कोई माफी नहीं मांगा, चाहे वो 75,000 के 75 करोड़ के घर कहा हो या जर्सी गाय कहा हो, अमूलन कई चीज ऐसी।
बोले कई चीज ऐसे है जो इसीलिए होता है। अब बीजेपी वालों को तो मैंने किस मुंह से बोलते हैं हमको तो समझे नहीं आता है। अच्छा जिनके अच्छा पत्रकार जिसे भी मैं आप उनसे मेरे इस पर कमेंट लीजिएगा कि जो व्यक्ति बिना किसी तलाक के अपनी पत्नी को छोड़ सकता है और उसके बाद फिर चुनाव आयोग के फॉर्म पर उसका नाम लिख सकता है, ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सा है महिला का ये अपमान है या महिला का ये प्रशंसा की बात है? तो ऐसे व्यक्तियों से जिनके आदर इन भाजपा वालों का आदर यही व्यक्ति हो तो क्या उधर कोई विवाहित होते हुए मिश्रित जीवन व्यतीत करना चाह रहा है धारण लिखा हुआ है क्या टिप्पणी कर रहे हैं लिखा हुआ है आप लोगों का स्तर है यही आपका स्तर विधानसभा में विधान परिषद यही आप लोगों का स्तर यही जेडीयू का स्तर यही स्तर आपका नीतीश कुमार ने दिखाया यही आपकी मानसिकता अब स्पष्ट हो गया यही मानसिक जहर यही मानसिक साथी नीतीश कुमार ने मनोज लाल दास ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहा है तो आप उसको हो गया मनोज भाई मैं वही कह रहा हूँ कि आपने पूछा था कि देश के खिलाड़ियों के बारे में महिला खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाया बीजेपी का किसी नेता ने उनके समर्थन में बात नहीं किया। बीजेपी के किसी नेता ने यहाँ विवेक श्रीवास्तव बोले हैं कि अगर कोई आदमी ब्रह्मचर्य पद का पालन कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? सर ब्रह्मचर्य का पालन कौन करता है? लीजिए मैं श्रीवास्तव जी से भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो सन्यासी होता है वही इस चीज को पालन करता है। और माननीय जिनका नाम लेना भी उचित नहीं है उन्होंने कहीं घोषणा नहीं किया था कि हम गए थे वो छोड़ के भाग गए थे 35 वर्ष तक क्या दो भीख मांग रहे थे क्या दो वो चाय पी रहे थे कौन पॉलिटिकल साइंस से एमए किए आज तक कोई एक स्टूडेंट नहीं खड़ा हुआ कि ये हमारे साथ पढ़ते थे इस दुनिया में इस पूरे विश्व में। तो आप क्या कहिएगा इनका यही है बेटी को पढ़ाओ बेटी को पढ़ाओ किसी को सुपर नेता देंगे किसी को जर्सी का किसी ने अपमान नहीं। मनोज जी विवेक जवाब दे रहा है आपका फिर आपको जवाब लूंगा दोबारा विवेक साहब जवाब दीजिए। देखिए गौरव जी जी जितना ज्ञान इन्होंने उड़ेला है हमारे किसी सांसद ने किसी विधायक ने जो भी कुछ बोला हो कभी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष पर यहाँ पर आप उनको सेक्सुअलिस्ट बोल रहे हैं उनको कंपाउंडर बोल रहे हैं कौन सा भाई ये जिस तरह से ज्ञान दे रहे हैं आप बोल रहे हैं वो कंपाउंडर है हम ज्ञान कहाँ दे रहे हैं हमको ज्ञान देने का कहाँ है वो ज्ञान देने का ठेका तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह रखे हुए हैं हमारे ही पास है ऐसे 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 सेक्सुअलिस्टों से भगवान बचाए ऐसे ऐसे सेक्सुअलिस्टों से भगवान बचाए आप जैसे लोगों से ऐसे ऐसे जो विधानसभा में विधान परिषद में किस बलगर भाषा में किस भोड़ी भाषा में सेक्स की शिक्षा दे रहे हैं ऐसे सेक्सुअलॉजिस्टों से भगवान बचाए ऐसे लोगों से ज्ञान लेना भी नहीं है। यही जनता दल यूनाइटेड का स्तर है यही जनता दल यूनाइटेड का स्तर है यही 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 जनता दल यूनाइटेड का स्तर है महादलित का अपमान करोगे महिलाओं का अपमान करोगे और आप छोड़ दिए कहाँ जा रही है शादी करके छोड़ दिए इससे बड़ा भी कोई पापी
पापी अपेक्षा इंसान होगा इस देश में जो अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाए, उससे भी बड़ा कोई बेशर्म व्यक्ति होगा क्या? इससे भी बड़ा बेशर्म कोई नहीं होगा। हंसते रहिए, खिलाते रहिए और आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जो मुस्लिम बोलिए बोलिए सुनने का ताकत नहीं है, जो मुस्लिम हिंदू लड़की को मुस्लिम बना के उसको आप जमात बना रहे हैं, मुस्लिम का विरोध करते हैं, गलत वाली बात मत बोलिए। विधान परिषद में अश्लील बातें कर रहा है नीतीश कुमार, सुशासन बाबू अश्लील हो गया, पत्नी को छोड़ के भाग गया, पत्नी को छोड़ के भाग गया, उस पर भी जरा कभी ना चले हो गया। मैं विवेक भाई, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, अभी बाकी मेहमान भी आप लोग मत बोलिए प्लीज। विवेक भाई पर यहाँ पर एक सीएम के लिए नीतीश कुमार अश्लील हो गया है, ये संता बनी। अरे भाई, जो भाषा ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए क्या भाषा बोल रहे हैं, जनता ने सुना है। अरे भाई सुन ली, विधानसभा में आप बोल रहे हैं, अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमने तो कहा कि ऐसे इंसान का नाम लेना भी ठीक नहीं है। विधानसभा में अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है, विधान परिषद में अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है, विधानसभा अध्यक्ष के सामने कर रहा है, विधान पटना की विधानसभा की आइडेंटिटी कर दिया उसने। हम कह रहे हैं लोकसभा बुरा लग रहा है, हमने नहीं बोले थे क्यों भाई, क्यों बुरा लग रहा है? चले हो गया, कहेंगे नीतीश कुमार अश्लील हो गया है। चले हो गया। प्रवक्ता सभा बोले, आप कहने की नरेंद्र अश्लील नहीं बेशरम हो गया, जो अपना अपनी वाट छोड़ के भाग गया, इससे बड़ा भी बेशरम है नरेंद्र हो सकता है क्या? पूरे विश्व को महिला को छोड़ के इससे ज्यादा नरेंद्र हो सकता है क्या? बेईमान हो गया, चले हो गया, चले हो गया। पटना नरेंद्र को पूछिए ना स्मृति ईरानी के साथ मैं दोनों प्रवक्ता को रोकना चाहूंगा, विवेक श्रीवास्तव और मनोज भाई प्लीज, हो गया है। अब मैं प्रवक्ता सभा का और मेहमान भी, चलिए हो गया, आप लोग आपने भी यहाँ पर अरे भाई शुरुआत किसने की है आप बताइए, आपने जवाब दिया है, आपने जवाब दिया है। हमने नरेंद्र बोला था रे, अरे हम नरेंद्र बोला था, क्या बोला थे कोई बतावे कि हमने उनसे कितना सम्मानित नाम लिया था, और हमने तो ये कहा था ऐसे व्यक्ति का नाम लेना भी ठीक नहीं है। हो गया, चलिए हो गया, विधानसभा बना लिए हो, चल ठीक हो गया, बोल लोगे, चल ठीक है, ये प्राइम डिबेट है, विधानसभा ये देश की संसद भी नहीं है, बिहार की विधानसभा भी नहीं है, ये संसद भी नहीं है, बिहार की विधानसभा भी नहीं है, बेशक प्लीज, चलिए गौरव जी, ये बिहार की विधानसभा भी नहीं है, ठीक हो गया, चलिए यहाँ कुछ, अरे हो गया, बाकी मेहमान बोलोगे, ये बिहार की विधानसभा नहीं है, बना बना के प्लीज, दोनों लोग डेरी लोग है जी, और जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग हुआ, समाजवादी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती, हम समाजवादी लोग हमेशा जो है, आप तो नीतीश के साथ खड़े हैं, आप तो नीतीश की भाषा समर्थन कर रहे हैं, पहले सुनेंगे, आपने कहा ना नीतीश की भाषा, तो मैं सुनिए, मैंने बोला स्पष्ट, मैंने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी
अच्छा जिस तरीके से विधानसभा के अंदर बात रख रहे थे, प्रजनन दर को लेकर के बात हो रही थी, सेक्रेटरियों के बारे में बात हो रही थी, वो बहते बहते कुछ बातें निकल गई, उन्होंने खेद प्रकट किया और माफी मांग ली। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विवेक जी, आप मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान में आप सोचिए, दो महीने बाद मणिपुर में जो घटना घटी, एक महिला के साथ जिस तरीके से घटना घटी और पूरे नंगी वीडियो पूरे वायरल हुई, पूरे दुनिया में निर्भस होकर के उनके साथ घटनाएं घटी, रेप को सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात को, प्रधानमंत्री ने एक बार माफी नहीं मांगी, प्रधानमंत्री ने एक बार माफी नहीं मांगी और सुनिए पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री आप मुझे बताइए रमेश विधुड़ी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, इतनी बदतमीजी से बात किया उसे लोकसभा के अंदर, सर मानने चाहिए सांसद को, तत्काल बर्खास्त करना चाहिए दोस्तों। लेकिन क्या दिक्कत भाई तुम्हें, वो आतंकवादी है दिनेश अली, जो भारत बाकी जाना बोलो सब क्या कहेंगे। अच्छा शर्म करिए आप लोग, नहीं गलत बात है, शर्म करिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को सुनिए, अगर वो आतंकवादी है, अगर वो आतंकवादी है, आदरणीय गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, अगर दानी साली आतंकवादी है, मंत्री जी क्यों बैठे वहाँ पे, क्यों बैठे वहाँ पे, आदरणीय मंत्री क्या कर रहे हैं वहाँ पे, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही आतंकवादी बैठा हुआ वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है डबल स्टैंडर्ड है। और आप मुझे बताइए राशिद अलवी, राशिद अलवी आपकी पार्टी में नेता रहा, यासीर मलिक, अरे आपकी पार्टी में नेता मनमोहन सिंह के साथ फोटो उसकी, अरे हो गया आप तो, कितने सारे जासूस, कितने सारे जासूस जो है भारतीय जनता पार्टी के मिले, प्रज्ञा ठाकुर के भाई, आतंकवादी बोलना कहाँ था, जो भारत माता क्या क्या प्रूफ, क्या प्रूफ, क्या प्रूफ हुआ है, क्या क्या प्रूफ हुआ है, क्या अगर प्रूफ हुआ है कि वो आतंकवादी है तो आप उनको जेल में डाल दीजिए, मंत्री जी के बगल में बैठे, क्या क्या उनके खिलाफ क्या जहाँ से मिली आपको, क्या उनके खिलाफ आपको ऐसे साक्ष्य मिले हैं गौरव जो उनको आतंकवादी घोषित कर सके, हम बता तो रहे हैं, तो अगर उन्होंने जय नहीं बोली तो आप उनको आतंकवादी बोलेंगे, उनको जनता, विवेक भाई उनको जनता ने चुना है, उनको जनता ने तो मुख्तार अंसारी भी चुना था, अच्छा जनता ने तो आजम खान को भी चुना था, अच्छा जनता ने चिन्मय स्वामी को भी चुना था, चिन्मय स्वामी को भी चुना था, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना, बिल्कुल चुना था, आप चुना था, तो स्वामी आप मानते हैं, आप मानते हैं रेपिस्ट मानते हैं उनको, चले हो गया, टकी बोलेंगे, टकी बोलेंगे, चले चल टकी बोलेंगे, चले हो गया, बेबे भाई हो गया, और लोग भी, तीन लोग नहीं, मुझे बताइए ना, जनता को चुनने से अपराध छिप जाएगा, अरे जनता ने ऑलरेडी ऑलरेडी केस में मौर्या जी को चुना है, चले हो गया, राजेश पाठक की भी चुना है, चले हो गया, हो गया भाई, हमारे आदरणीय भाई वीर श्रीवास्तव जी ने अभी थ्री इडियट पिक्चर का एग्जांपल दिया था, जिसके अंदर आपने वही भी देखा होगा विवेक जी कि गलती से किसी ने चमत्कार को बदल के बलात्कार कर दिया था, और मोदी जी जब आए तो कहते बहुत चमत्कार करेंगे, चमत्कार करेंगे, लेकिन जब से वो आए तब से बलात्कारियों को बलात्कार हो रहे हैं या भ्रष्टाचार हो रहा है, अच्छा। तो वो चमत्कार हो नहीं पा रहा है, अच्छा। वो कहते थे हार्ड वर्क को आधे ज्यादा अच्छा करेंगे, हार्वर्ड नहीं चलेगा, तो हार्वर्ड वालों ने अच्छा अपने को प्रूफ किया, हार्डवर्क को आधे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लगातार देश की व्यवस्था नीचे जा रही है, रुपया नीचे जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, क्या कर पा रहा है, गोवा भेज दोगे चुनाव में, दिल्ली की अर्थव्यवस्था तो नीचे जाबे करेंगे, आप लोगों ने तो अरविंद केजरीवाल को ढूंढ रहे हो, तुम भाग रहे हो, बदपद अरविंद केजरीवाल को मंजूरी है, कौन कौन रोक रहा है, आम आदमी पार्टी का आयोजक है, अरे आओ सामना करो ना जांच का, अब क्यों भाग रहे हो जांच से, सबको भेजवा दिया आपने, जाना डर लग रहा है,
उनको सिसोदिया भेजवा दिया, भेजवा दिया, अपना नंबर आया चुपड़ी रोटी आप लोग के कारण यहाँ पर और लोगों को बोलना नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग लगातार बोलते रहे। मैंने मुद्दा रखा था वो बड़ा अमूल था, बस मुद्दे पर फिर आने के लिए पहले धन्यवाद बोलूँगा आप सभी का। धन्यवाद इसलिए नहीं कि आप लोग इस डिबेट में शामिल हुए, धन्यवाद इसलिए कि मैंने मुद्दा जो रखा था वो आप लोगों ने सार्थक कर दिया। सार्थक इसलिए कर दिया क्योंकि जो मुद्दा हमने यहाँ पर रखा था वही बयानबाजी आज फिर डिबेट में हुई। हमने फिर दिखा दिया कि हम राजनीति में कुत्सितता की तरफ जा रहे हैं, संस्कृति नैतिकता आधार भूल चुके हैं, भाईचारा भूल चुके हैं, तहजीब भूल चुके हैं। किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए किसी शब्द का उपयोग करना बताता है कि आप बातें बड़े बड़ी करेंगे, पर आपको सबसे पहले जिस मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पहले उस मुद्दे को समझना जरूरी है कि मुद्दा है क्या। और मुद्दा था यहाँ पर राजनीति में शुचिता, बयानों की राजनीति बंद होनी चाहिए और ऐसा एक उदाहरण पेश होना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह के बयानबाजी से जनता यहाँ पर शर्मसार ना हो। अब आने वाले समय में क्या कुछ अलग होगा और क्या कुछ और बेहतर होगा वो समय बताएगा, पर मेरा इस डिबेट के माध्यम से केवल एक बात कहनी है कि हर मुद्दा हर जगह के लिए बना हुआ है, किस मुद्दे को कहाँ पर बोलना है ये भी ज़रूरी है। और हमारे देश के राजनेताओं से भी मेरा निवेदन है कि कम से कम जगह देखकर, व्यवस्था देखकर और शब्दावली देखकर उसको अगर बोलेंगे तो शायद विरोध भी नहीं होगा, समर्थन भी मिलेगा। यहाँ समर्थन भी मिलता है, व्यवस्थाएँ भी होती हैं, विरोध भी होता है, पर विरोध से पहले हमको समझना पड़ेगा। और एक आखिरी बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर वास्तव में राजनीति करनी है तो जनता के मुद्दों के जरिए, बयानों की राजनीति जनता ऊब चुकी है और जनता भी चाहती है या फिर चेहरे बदलें या परंपरा बदलें या व्यवस्थाएँ बदलें। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।